अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस POV LED क्लॉक के बारे में है। तो ये दोस्तों हमें भेजा है जी banggood.com ने, जो कि एक चाइनीज़ वेबसाइट है। तो banggood.com से आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी हो। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है banggood.com, आप उसको भी जाके विजिट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम इस मुकम्मल किट को असेंबल करके बनाने वाले हैं और इंशाल्लाह इसका गिव वे भी आने वाला है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको गिव वे के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कब इसका गिव वे होने वाला है। वीडियो को देखते रहेंगे और हमारी भी चैनल के साथ अपडेट रहेंगे तो आपको इसके गिव वे का भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब इसको फिट करना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम इन दो किट्स का रिव्यू करने वाले हैं। DIY किट्स हैं दोनों, एक जो है रोटेटिंग POV LED क्लॉक है और एक 3D क्यूब है। ये दोनों किट्स जो है हमें banggood.com ने भेजे हैं, जो कि एक चाइनीज़ वेबसाइट है। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा तो इन्होंने हमें ये प्रोडक्ट भेजी दोनों। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में banggood.com का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐप से परचेज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों में से एक को आज असेंबल करने वाले हैं, दूसरी को इंशाल्लाह से अगली वीडियो में असेंबल करेंगे। तो मैं जो असेंबल करने वाला हूँ POV LED क्लॉक को, तो इस 3D क्यूब को हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे साथ ही रहिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा और अगली वीडियो को भी देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो दोनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हैं banggood.com से। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर सामान क्या क्या है और इसके अंदर एक्सेसरीज़ क्या क्या है और इसकी क्वालिटी कैसी है PCB की। सबसे पहले ये देख सकते हैं PCB इसके अंदर से निकलती है, तो PCB आप ये चेक कर सकते हैं, ये डबल साइडेड PCB है। ऊपर से इसके ऊपर ICs वगैरह कुछ लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ जो कंपोनेंट्स हैं हमें ख़ुद सोल्डर करने हैं क्योंकि ये DIY है, इसलिए ख़ुद बनानी पड़ती है ये। उसके बाद ये कुछ इसके अंदर ये प्लास्टिक की फ़िटिंग्स हैं और एक ग्लू गन का रॉड है। उसके बाद ये इसकी कुछ ये और फिटिंग्स हैं, जैसे कि ये एक्रेलिक की शीट के फ्रेम हैं इसके दो। उसके बाद एक इसके अंदर ये निकलता है रिमोट, जिसके ज़रिए आप इसको वायरलेसली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत शानदार POV क्लॉक है दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर एक इंडक्टर है, कॉयल वगैरह हैं। उसके बाद ये एक और इसके अंदर शॉपर है जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। इसकी LEDs वगैरह रेजिस्टेंस है, यानी कि सारा SMD का जो कंपोनेंट्स है वो सारे इसके अंदर ही हैं। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। तो उसके बाद इसके अंदर से निकली है एक इसकी पावर केबल, जिसके आप पावर देंगे, एक एक्स्ट्रा जंपर वायर्स हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। उसके बाद इसके अंदर जी है एक मोटर, जिसके ज़रिए ये मूव करेगा मुकम्मल LED क्लॉक। और उसके बाद इसके अंदर रह गया जी आखिरी पैकेट, खाली हो चुका है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स हैं और कुछ PCB हैं, कुछ हीट सिंक्स वगैरह हैं। तो मिक्स कंपोनेंट्स ये आप देख सकते हैं सारा सामान है। तो चलिए जी अब हम इसको फिट करना शुरू करते हैं। तो चलिए जी अब सामान को करते हैं सारे को साइड में, उसके बाद इसको करते हैं फिटिंग। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ SMD कंपोनेंट्स हैं, इसको भी फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रेम को कर लेते हैं फिट। तो फ्रेम को फिट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है उसको उतार लेते हैं। We'll be right back.
लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं हाफ जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हाफ रहता है जिसके अंदर हमने पीसीबी को सारा असेंबल करना है, तो बाकी हाफ भी कर लेते हैं फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो लीजिए जी दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी जो है SMD कंपोनेंट्स लग चुके हैं तकरीबन। उसके बाद कुछ ही SMD कंपोनेंट रहते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये एक इंफ्रारेड सेंसर रहता है, उसके बाद हमारे पास एक ये बैटरी बैकअप रहता है इसका, और एक हमारे पास ये कैपेसिटर लगाना रहता है। तो ये भी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चालू करते हैं। तो लीजिए जी, अब बाकी फिटिंग कर रहे हैं, तो इसकी फिटिंग करने के लिए हमने इसको इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है इसका जो इंफ्रारेड सेंसर है ये भी इसके साथ ही कनेक्ट कर देना है। तो इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके साथ IR सेंसर भी लगा लिया, अभी आप देख सकते हैं इसको अब एक बार टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, और उसके बाद अब इसके साथ कनेक्ट करते हैं जी पावर सप्लाई। और उसके बाद हमारे साथ इसके साथ उसके बाद इसके साथ आता है एक रिमोट जिसके ज़रिए आप इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पावर लगाता हूँ, फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. वाओ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि POV जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तारीख वगैरह भी आ रही होगी। तो अभी मैं जो हूँ थोड़ा अंधेरा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, आपको सही नज़र आएगा। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं जी आपको यहाँ पर जो है डेट नज़र आ रही होगी। तो बहुत शानदार तरीके से POV सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको banggood.com से बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको बाय करना है। तो लीजिए जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जी banggood की वेबसाइट पे। जैसा कि यहाँ सर्च लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर लिखना है POV LED क्लॉक किट। तो जैसे ये सर्च होगी तो फौरन जो है POV LED क्लॉक जितने भी होंगे वो सारी आ जाएंगी यहाँ पर। तो ये भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की POV LED क्लॉक होगी है, आ गई हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बाय की है वो ये वाली है, जो आपको $19 में मिल जाएगी। ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, रेड कलर में भी है। उसके बाद इसके शिपिंग चार्जेस भी होते हैं $2.28। तो ये आप इसको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं banggood की वेबसाइट से। तो और भी अगर प्रोडक्ट देखना चाहे तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वेबसाइट banggood.com जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिस्प्ले आ रहा है। तो मैं आपको इसके और सेटिंग वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो इसके रिमोट से आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। वह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी तारीख आ रही होगी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आना शुरू हो गया है।
उसके बाद यहाँ पर एक और जो है सेटिंग चेंज हो गई है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक और सेटिंग चेंज हो गई है और ऊपर जो है एनिमेशन आना शुरू हो गई है। तो अब आप एक और मैं बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ वाली एनिमेशन शुरू हो गई है जिसके अंदर घोड़ा और एक फूल काम कर रहा है, एनिमेशन जिन दोनों की आ रही है। उसके बाद यहाँ पर है एक और क्लॉक का वर्जन चेंज हो गया है। उसके बाद फिर दोबारा बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है साइड पे भी जो है सारी जो है नंबरिंग वगैरह चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं तारीख वगैरह। तो उसके बाद इस तरह आप चाहें तो अपने हिसाब से जो मर्ज़ी चाहें सेटिंग वगैरह रख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है जी माज इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब माज इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आ रहा है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके कुछ भी डिस्प्ले ले सकते हैं। मैं आपको सीधा करके भी दिखाता हूँ, ये बात दोस्तों देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा डिस्प्ले आ रहा है। तो अब मैं आपकी सेटिंग भी इसकी चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है जी माज इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा यूट्यूब का नाम, चैनल का नाम। उसके बाद ये एक डेट चेंज हो चुकी है। उसके बाद ये एक और क्लॉक नया आ गया जो हमारा एनालॉग क्लॉक होता है आम, वो उसमें कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा लोगो आ चुका है, मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन पिक्चर आ चुकी हैं। ये आ चुकी है जी GIF एनिमेशन, इसके अंदर घोड़ा और फूल हैं। उसके बाद एक ये डिस्प्ले है जिसके अंदर आप क्लॉक की सेटिंग ये भी रख सकते हैं। उसके बाद एक ये क्लॉक है सिंपल, बस दोस्तों इतनी चीज़ें इसके साथ। और उसके बाद आप फ्रंट पे भी इसकी चीज़ें वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा आ गया है। आप देख सकते हैं इसके साइड पर भी जो है डेट आ रही है बड़ी शानदार। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम इसका इंशाल्लाह गिव अवे भी करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ अपडेट देखते रहिएगा क्योंकि हम इसका कभी भी गिव अवे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अब जो गिव अवे आने वाला है 55K सब्सक्राइबर पर है। तो इंशाल्लाह इसका जो गिव अवे होगा वो 60K सब्सक्राइबर पे होगा। उसके बाद जो हमारा एक और प्रोडक्ट है LED की, वो उसकी भी हम ज़रूर गिव अवे करेंगे। तो वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा लगातार ताकि आप गिव अवे में भी शामिल हो सकें और आपको गिव अवे की अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।